दीदिया बोला बतिया भेंट कीजिए, आते हैं तो बात भर पेट कीजिए। तो दोस्तों इस लड़की को देखने के बाद मुझे कुछ ऐसा फीलिंग हुआ, ऐसे लगा जैसे कि मेरे सपनों की रानी, जिसे मैं सपनों में देखा करता था, वह शायद यही है। लेकिन बट हमारे साथ कुछ ऐसा कहानी, हमारे साथ कुछ ऐसा सिचुएशन स्टार्ट होता है जिसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आप लोगों को सुना देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को भी सुनने के बाद काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग मजे लेते हैं। तो दोस्तों इस लड़की को जब मैंने पहली बार देखा इस गाने पर, तो मैं पहले इनसे फिदा हो गया, ऐसा फिदा हो गया कि सोने वक्त भी इसका वीडियो देखता था, जागने वक्त भी वीडियो देखता था। और सोनी का कुछ इस कदर, इस लड़की का नाम ऐसे सोनी है, इस सोनी का दीवाना मैं कुछ इस कदर से हो गया था, मैं बता नहीं सकता हूं, सिर्फ आप लोग को वीडियो में दिखा सकता हूं। पहले वीडियो मैंने यह देखा जिसके बाद मैं दीवाना हो गया था, देख लो। देखिए मैं दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है हम जैसा सिंगल लौंडों को लड़की पटाने की, क्योंकि लड़की पटाने के कोई प्रैक्टिस नहीं किए रहते, ना कोई डिग्री रहता है, ना ही कोई पीएचडी करके हम लोग बैठे हुए रहते हैं। लेकिन साला जब पटाने की बारी आती है तब दिमाग पता नहीं कैसे चलने लगता है, मुझे भी पता नहीं है, ना आपको पता होगा। सबसे पहले तो प्रॉब्लम होती है कि यह लड़की इतना फेमस हो चुकी है, स्नेक पर मैं बता नहीं सकता हूं, और आपके भाई का आज तक एक भी वीडियो कोई ऐसा फेमस नहीं हुआ जिससे 10 लोग जान सके। यार इस वीडियो, अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट बताना कैसा लगा तुम लोग को, ठीक है। उसके बाद तो मेरे पास भी एक सिचुएशन ऐसा था कि मैंने एक वीडियो इनके पास पेश किया जिस वीडियो में ऐसा गाना था जिसे देखने के बाद ये लड़की मतलब दीवाना हो या ना हो, और लड़की दीवाना हो जाने वाली थी, देख लो कैसे। तो इस गाने को सुनने के बाद लड़की ने सोचा, समझा, और वह समझ गई और सोची कि इस लौंडे के अंदर थोड़ा तो टैलेंट जरूर है, कि मतलब ऐसे गाने फेंक के मारा जिसे देखने के बाद, जिसे सुनने के बाद हम नहीं और हमारे जैसे अनेकों लड़कियां दीवाना हो सकती है। और इस बात को यार मेरे दिल में कुछ ऐसे बिया बाया, उसके बाद मेरे मुंह से डायरेक्ट एक ही बात निकला, यार आई लव यू। इस चीज को सुनने के बाद लड़की का यार रिएक्ट तुम लोग देखोगे तो देखते रह जाओगे, देख लो। लाजो न लागे तो है पूछे में और सोना बात हो। यह मेरा बात सुनने के बाद लड़की कुछ इस कदर से दीवाना हो गई, मैं बता नहीं सकता, और मेरे अंदर का खुशी कुछ इस कदर से बाहर आ रहा था, और मैं दिखा नहीं सकता था। मतलब तुम समझ सकते हो यार किस तरह से मेरा वाट लगने वाला था, उसके बाद दोस्तों अब हमारा मतलब तो अटैचमेंट हो गया और हमारा लव तो यहां से स्टार्ट हो गया। लेकिन उसके बाद यह लव कब खत्म होने वाला था सारा चीज आज मैं बताने वाला हूं। उसके बाद दोस्तों सिचुएशन अब हमारी आती है ऐसी जिसे देखने के बाद आपकी भी हंसी, मतलब जिसे देखने के बाद आपकी भी खुशी नहीं रुकने वाली है, देख लो। कर बना शादी कुछ कर जाए। दोस्तों इस सिचुएशन में कभी कभी ज्यादा खुशी भी मिलता है तो काफी ज्यादा गम भी मिलता है, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं भी इतना ज्यादा खुश हो चुका हूँ कि कब मुझे रोना पड़ जाए ये पता नहीं है मुझे भी। और इस लड़की का एक्साइटिंग तो देखा, मतलब ये मतलब प्यार में कुछ इस कदर से पागल हो गई थी, मैं बता नहीं सकता हूँ और ना ही मैं दिखा सकता हूँ यार। उसके बाद अगला जो सिचुएशन आता है, मतलब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वैसे मेरे साथ होने वाला है, देख लो आप लोग। तो दोस्तों प्यार कुछ इस कदर से आगे बढ़ चुका था, कि मैं बता नहीं सकता हूँ, आप लोग खुद समझ सकते हो और खुद सोच सकते हो। अब बात आती है कि अब बेटा तो तुम्हें शादी तो करना पड़ेगा, और रीति रिवाज तो है ही कि शादी तुम कर लो, और सबसे पहले कि तुम सोच लिए हो कि सपना की रानी अगर तुम्हारी यही है तो बेटा अब तुम्हें शादी करना पड़ेगा। तो अब हमारी सिचुएशन उस मोड़ पर पहुंच जाती है, जिस मोड़ पर बंदियों की मेहंदी लगाई जाती है, पर देख लो आगे क्या होता है। दोस्तों सिचुएशन कुछ इस कदर से अब आगे बढ़ चुका है, कि मैं बता नहीं सकता हूं। अब बारी आती है कुछ रोमांस की, रोमांस भी तो वीडियो में डालना होगा ना। तो बेंचो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे लौंडा शादी कर लिया तो रोमांस भी करेगा ना वीडियो में, तो देख लो अब रोमांस करने की बारी आ गई, मतलब हमसे भी ज्यादा एक्साइटिंग तो ये लड़की हो चुकी है कुछ ऐसे, देख लो। यह रोमांस यहीं पर खत्म नहीं होता, मतलब यह रोमांस कुछ हद तक इतना आगे तक जाता है कि जितना तक मैं कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। मतलब इस लड़की के बारे में ख्याल तो सोचा था, लेकिन मतलब ऐसे रोमांस के बारे में कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। और ऐसे रोमांस यार कौन करता है दिखाकर, यार तुम लोग भी देख लो। इतनी सुंदर हूं मैं,
क्या करूं। तो दोस्तों इस वीडियो का मकसद किसी के भी भावनाओं को, किसी के भी दिल को, किसी भी लड़की या लड़के को ठेस पहुंचाने का नहीं था। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आप लोगों का एंटरटेनमेंट कराना था, तो आप लोगों ने किया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करो और कॉमेंट करके बताओ वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और इसका अगर पार्ट टू चाहते हो लव टू तो बताइए कॉमेंट करके कि कब मैं बना के आप लोग को दूं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए बकचोदी के साथ।